एवरेज। एवरेज को हम मतलब सिंपली अगर डिफाइन करें कि अगर हमने एवरेज निकालना है तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एवरेज। ठीक है, एवरेज इज इक्वल्स टू क्या होता है, टोटल सम, दैट इज सम ऑफ ऑब्जर्वेशन इज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ओके, तो ये होता है टोटल सम, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। ये होता है टोटल सम इज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। टोटल सम मतलब क्या है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो हम जो बेसिक अप्रोच एवरेज को सॉल्व करने के लिए लगाते हैं वो यही लगाते हैं कि टोटल सम, जो भी हमारे पास ऑब्जर्वेशन देके रखी होंगी उनका हम सम लेंगे एंड वो कितनी है उससे उसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, लेट अस अंडरस्टैंड दिस बाय एन एग्जांपल। जैसे आपके पास एग्जांपल है, 5 पर्सन हैविंग, ठीक है, 5 पर्सन हैविंग 5, 10, 15, 2, 13। 5, 10, 15, 2, 13 रुपीज रिस्पेक्टिवली। ठीक है, 5 पर्सन है, ठीक है, उन 5 पर्सन के पास क्या है, मतलब फर्स्ट पर्सन के पास 5 रुपीज है, सेकेंड पर्सन के पास 10 रुपीज है, थर्ड पर्सन के पास 15, फोर्थ के पास 2 एंड लास्ट 1/5 जो है उसके पास 13 रुपीज है। ठीक है, उसके बाद है इसमें इन्होंने हमें बोला है कि डिस्ट्रीब्यूट करो, डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट इक्वल अमाउंट इन ऑल 5 पर्सन, इक्वल अमाउंट इन ऑल 5 पर्सन। ठीक है, सॉल्यूशन देखो, अब आपको क्वेश्चन में ये चीज तो आपको क्लियरली दिख रही होगी कि इनके पास जो है ना इक्वल अमाउंट ऑफ रुपीज नहीं है, कई के पास ज्यादा है तो कई के पास बिल्कुल ही कम है। तो इस क्वेश्चन में यही बोला है कि डिस्ट्रीब्यूट इक्वल अमाउंट, ठीक है, ये जो आपके पास रुपीज देके रखे हैं इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है इन 5 पर्सन में। ठीक है, ये जो 5 पर्सन है इसमें क्या करना है, इनको सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो अगर मैं इस अप्रोच से इसको सॉल्व करूं बेसिक अप्रोच से, तो ये होता है एवरेज इज इक्वल टू टोटल सम, दैट इज द सम ऑफ दीज, है ना, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्या क्या हमारे पास, 5 + 10 + 15 + 2 + 13, है ना, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, दैट इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है ये टोटल, तो 1, 2, 3, 4, 5 है, तो इज डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, अब आप इनको ऐड करोगे तो ये हो गया 15, ये हो गया 30, ये हो गया 32 और 32 + 13 दिस इज योर 45/5 और 5 कितने जो होता है 45 × 9 = 45। तो 9 रुपीज जो है वो इक्वली, मतलब हर एक पर्सन को कितने रुपए मिलेंगे, वो मिलेंगे 9 रुपए। ठीक है, 9 रुपीज मिलेंगे, ठीक है, हर एक पर्सन को। तो ये जो एवरेज किया है, दिस इज नोन एज द बेसिक अप्रोच ऑफ द एवरेज, और यही अप्रोच जो है हमें जनरली पता होती है। ठीक है, बट अगर मान लो हमारे पास ये जो डेटा है 5, 10, 15, 2, 3 रैदर देन इतनी छोटी छोटी टर्म्स है, आपके पास थाउजेंड्स में डेटा दे के रखा है, तब आप ऐड करने लगोगे देन डिवाइड करने लगोगे, वो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। सो एक और मेथड होता है, उस मेथड को मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, इसी क्वेश्चन को, इन्हीं ऑब्जर्वेशंस को लेकर के बताती हूँ, ठीक है, कि किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आप वो अप्रोच जो है वो यूज करते हैं एवरेज को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो आपके पास जो नंबर दे के रखे, दैट इज जो डेटा दे के रखा था, ठीक है, वो था 5, 10, 15, 2 और 13। ठीक है, 5, 10, 15, 2 और 13। ठीक है, ये जो आपके पास नंबर
नंबर्स दे के रखे, इन नंबर में से किसी एक नंबर को स्टेप नंबर वन है ये उस इन इन सब में से, इन फाइव में से आप क्या कर लो, एक नंबर को, कोई भी एक नंबर को एवरेज कंसिडर कर लो। ठीक है, मान लिया मैं इसको एवरेज कंसिडर कर लेती हूँ, ये क्या है एवरेज है। ठीक है, ये क्या है एवरेज है। अब इस टर्म को, इस एवरेज को ध्यान में रखते हुए आपने क्या करना है, इन पे ध्यान देना है। मतलब क्या है, जैसे ये 10 है, यहाँ पे क्या है 5 है, तो 10 बनने के लिए यहाँ पे कितने कम है, 5 कम है, कम है इट मीन्स दैट यहाँ पे माइनस 5 है, 5 कम है, ठीक है, इसलिए लिख रही हूँ मैं माइनस 5। और यहाँ पे तो क्या 0 आएगा। अब यहाँ 15 है तो यहाँ पे क्या होगा प्लस 5, यहाँ पे 5 जो है वो ज्यादा है 10 से, क्योंकि हम 10 एवरेज को कंसिडर कर रहे हैं, तो 10 के रिस्पेक्ट में आप इस तरह से फाइंड आउट करोगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपके पास प्लस 5। ठीक है, उसके बाद देखो ये 2 है, तो यहाँ पे ये 2 है और ये 10 है, तो यहाँ पे कितने कम है आपके पास, तो 8 कम है, तो ये आ जाएगा माइनस के 8। ठीक है, और ये 13 और 10 है, तो यहाँ पे कितने ज्यादा है आपके भाई प्लस 3 है। ठीक है, तो क्या क्या आया, माइनस 5 0 प्लस 5 माइनस 8 प्लस 3। ठीक है, अब आपने क्या करना है, क्या करना है, इनको ऐड कर देना है। जैसे हम एवरेज में करते हैं ना, टोटल सम एंड डिवाइडेड बाय जितने नंबर है उससे, वही स्टेप यहाँ पे होगा। देखो माइनस का 5 प्लस का 5 तो कैंसिल आउट हो जाएगा एक दूसरे से, जब आप इसको ऐड करोगे आपके पास बचेगा माइनस 8 प्लस 3। ठीक है, और माइनस 8 प्लस 3 आप करोगे तो आपके पास कितना बनेगा, माइनस 5। ठीक है, क्या बनेगा, माइनस 5 बनेगा अपॉन, आप देखो वो ये कितनी है, टोटल 5 है। ठीक है, तो ये 5 से 5 कैंसिल आउट, दिस इज इक्वल टू माइनस 1, माइनस 1 आ गया। अब आप बोलोगे कि ये जो माइनस 1 है वहां पे तो एवरेज कुछ 9 आ रही थी और यहाँ पे माइनस, तो ये एवरेज नहीं है, माइनस 1 आया ना। अब आपने जो देयरफॉर एवरेज इज इक्वल टू, जो आपने एवरेज कंसिडर की है वो, ठीक है, यहाँ पे प्लस आ रहा है तो उस एवरेज में आप ऐड कर दोगे, और यहाँ पे माइनस आएगा तो उस एवरेज में से आप एक लेस कर दोगे। तो ये 1 है यहाँ पे, इसलिए मैं क्या करूँ, माइनस का 1 है, तो इसलिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 10 माइनस 1 कर रहे हैं। ठीक है, क्या 10 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो उस प्रोसीजर से भी सेम, इससे भी सेम, बट अगर आपके पास डेटा 5, 10, 15 ऐसे छोटे छोटे नंबर्स दे के रखे हैं, तब तो आप जो बेसिक अप्रोच है वही यूज करेंगे, लेकिन आपके पास अगर ज्यादा बड़े नंबर्स दे के रखे तब आपका ये जो डेटा है ये यूज, सॉरी ये जो आपका मेथड है इसको हम यूज करते हैं। ठीक है, सो अब हम एवरेज के क्वेश्चन करते हैं बाय यूजिंग दिस मेथड, दिस मेथड नंबर 2। ठीक है, तो आपके पास है क्वेश्चन, ये मान लो आपके पास डेटा देके रखा है 1170 1167 1173। ठीक है, फाइंड एवरेज, हमने क्या करनी है, एवरेज को फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्या करना है, एवरेज को फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्या सबसे पहले जो आपके नंबर्स हैं उनको एज इट इज लिख दो, 1170 1167 1173। अब हमारे पास स्टेप नंबर 2 क्या होता है, हम इनमें से किसी एक नंबर को एवरेज कंसिडर करते हैं। आपने ना उस नंबर को एवरेज कंसिडर करना है जहां पे 0 वगैरह प्रेजेंट होगा। ठीक है, उसको आपने ज्यादा प्रेफरेंस देनी है, क्यों, क्योंकि वो कैलकुलेशन के लिए इजी रहता है। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया 1170, हमने एवरेज कंसिडर कर लिया कि ये एवरेज है, तो यहाँ पे तो कितना आएगा, 0 आएगा। अब देखो 1167 है और 1170, तो यहाँ पे कितने कम है, कितने कम है, यहाँ पे है माइनस 3 कम है आपके पास, और देखो ये 1173 है, 1170 है, यहाँ पे क्या है प्लस 3 आपके ज्यादा, सॉरी। तो मतलब इसमें ये नहीं कंफ्यूज होने, प्लस 3 माइनस 3, माइनस हम तब यूज कर रहे हैं जब इतने नंबर की कमी है इसमें। ठीक है, जो आपने एवरेज कंसिडर किया, ठीक है, उस एवरेज के रिस्पेक्ट में जब आप इस डाटा को देख रहे हो कि उसमें कितने कम है कितने ज्यादा है, तो जब कम होंगे तो वहां पर माइनस यूज होगा, और ज्यादा होंगे तो प्लस यूज होगा। ठीक है,
आप देखो आप क्या करते थे, ऐड करते थे, तो जी ऐड करेंगे तो जीरो का तो कोई वो नहीं है, इसको और इसको ऐड करेंगे प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आएगा आपके पास, बेसिकली जीरो आएगा, ठीक है। अब हम लास्ट में एवरेज में क्या करते थे कि जो भी हमारे पास आता था, जो भी आता था उसको हम क्या करते थे, एवरेज में ऐड करते थे, या सब्ट्रैक्ट होगा तो सब्ट्रैक्ट करते थे, तो यहाँ पर तो जीरो ही है, तो ये आ गया 1170। इसका आंसर क्या आएगा, 1170 इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्या बोलते हैं एवरेज को फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब इसमें कई बार ऐसा होता है ना कि आपके पास मान लो यहाँ पे 1170 की जगह 1171 होता या 2 होता, तब भी हम वहां पे 1170 को एवरेज कंसिडर कर सकते थे, ठीक है। क्यों, इजी सॉल्व करने के लिए इजी रहेगा, फिर उस एवरेज के रिस्पेक्ट में जैसे हम ये चीज कर रहे हैं ना सेम वे से कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन है द वेट ऑफ 7 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास is 48, 52, 40, 60, 53 and 53, 54 and 49 kg respectively, find the average weight of those students. Find the average weight of these students. तो क्या बोला है कि जो एवरेज वेट है 7 स्टूडेंट्स का, ठीक है, 7 स्टूडेंट है क्लास के, उनका जो एवरेज वेट है क्या क्या है, 48, 52, 40, 60, 53, 54 and 49 kg रिस्पेक्टिवली, फाइंड द एवरेज वेट। सॉरी, ये था आपके पास वेट, वेट दे के रखा है, हमने क्या करना है एवरेज वेट फाइंड आउट करना है। तो इसको एड करने लगोगे, देन डिवाइड करने लगोगे, उस मेथड से ही हम अपना मेथड नंबर 2 ही यूज करेंगे। सबसे पहले डाटा लिखना है, 48 है, देन 52 है, देन क्या 40 है, फिर क्या 60 है, 53 है, 54 है और क्या 49 है, ठीक है। पूरा डाटा लिख दिया, 48, 52, 40, 60, 53, 54 and 49, ठीक है। अब आपने क्या करना है, एवरेज कंसीडर करना है। मैं आपको जो बता रही थी अभी प्रीवियस क्वेश्चन में कि वो जो डाटा में से किसी एक नंबर को कंसीडर कर रहे हो तो वो तो ठीक है, वैसे करोगे चाहे हम देखो यहाँ पे कहीं पे 50 नहीं दिख रहा है ना, तो मैं अभी इस क्वेश्चन को आपको उस मेथड से करके बताती हूँ। मैं कंसिडर कर रही हूँ कि 50 को मैं एवरेज कंसिडर कर रही हूँ, ठीक है ना। क्या कंसिडर किया, 50 को, 50 डाटा में है नहीं, ठीक है, 50 को क्या किया एवरेज कंसिडर किया। अब 50 के कंपेरिजन यहाँ पे करना है, कितने कम है कितने ज्यादा है, तो यहाँ पे देखो ये 48 है, यहाँ पे कितने कम है, -2, 2 कम है, ठीक है। ये 52 है, यहाँ पे क्या +2 है, ये कितना है 40 और ये कितना है 50 है, तो यहाँ पे 10 कम है, ठीक है। उसके बाद है आपके पास 60, तो यहाँ पे क्या है प्लस का 10, ठीक है, ये है 53 तो यहाँ +3 है, ये है 54 तो यहाँ +4 है, ये है 49 तो यहाँ पे क्या है -1 है। तो मेरे पास क्या क्या आ गया, -2 +2 -10 +10 +3
प्लस फोर और माइनस वन। ठीक है, अब हम क्या करते थे, इन सबको एड करते थे, ठीक है, और कितने नंबर थे उससे उसको डिवाइड करते थे। तो ये तो दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे, ठीक है, ये भी दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे। आपके पास क्या बच रहा है, थ्री और फोर, थ्री और फोर दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे तो ये बनेगा सेवन, और सेवन माइनस सिक्स कितना हो जाएगा, सेवन माइनस वन कितना हो जाएगा, सिक्स हो जाएगा। सिक्स अपॉन कितनी है टोटल, ये सेवन है, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसे 0.857, ठीक है, 0.857। अब हम क्या करते थे नेक्स्ट स्टेप में, देयरफॉर एवरेज वेट कुछ है, देयरफॉर एवरेज वेट इज इक्वल टू क्या, एवरेज जो होती थी वो प्लस, अब ये प्लस माइनस इसलिए यहाँ पे प्लस का साइन यूज हो रहा है, प्लस 0.857, ठीक है, इसको क्या कर दिए, इसमें ऐड कर दिए जो हमने एवरेज कंसीडर की थी। तो इसको जब हम इसमें ऐड कर देंगे तो ये आएगा 50.857, विच इज योर आंसर, 50.857 क्या है आपका आंसर है। तो दिस इज योर मेथड नंबर थ्री टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ एवरेज, ठीक है। मेथड नंबर थ्री में हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास डेटा देके रखा है, ठीक है, उसको नहीं हमने एवरेज कंसिडर किया, हमने कोई और नंबर ले लिया। अब इवन आप यहाँ से 40 या 60 को भी एवरेज कंसिडर करते ना, तभी भी आपका आंसर यही आना था, ठीक है, 50 ले रहे हो तभी भी यही आ रहा है, पर 50 इसलिए ही आना क्योंकि देखो कैलकुलेशन करने के लिए हमें इजी हो गया ये, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके पास 20 रुपीज जो है और 5 पर्सन है, ठीक है, 30 रुपीज जो है वो 10 लोगों के पास में, ग्रुप में। अब ये क्वेश्चन है क्या है, 20 रुपीज है, कितने लोगों के पास है, ये है 5 पर्सन के पास में, ठीक है, और आपके पास देके रखा है कि 30 रुपीज है और ये 30 रुपीज जो है वो 10 पर्सन के पास में है, ठीक है, कि 20 जो है 5 के पास में, 5 लोगों के पास में, और 30 रुपीज जो है 10% के पास में। तो देखो इसे लिखना है डेटा, ठीक है, और जो आपके पास गिवन एवरेज देके रखी है, ठीक है, तो डेटा में देखो यहाँ पे 5 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, सॉरी 10, और एवरेज अगर लिखोगे आप तो एवरेज में क्या क्या देके रखा है आपके पास, गिवन जो है वो 20 की और 10 में देके रखी है 30, ठीक है, 10 में क्या देके रखी है 30। अब क्या करना है, वही सेम चीज फर्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, ये आपके पास डेटा आ गया 5 और 10, जितने लोगों में वो चीज डिस्ट्रीब्यूट हुई है, 5 में 10 में वो डेटा हो गया, और जो आपके पास रुपीज है 20 है और 30 है वो लिख दिया। अब आपने एवरेज जो कंसिडर करनी है वो अमंग दीज 20 एंड 30, ठीक है, इसमें से मैं मैंने मान लिया कि ये जो 20 है ये मैंने एवरेज कंसिडर कर दिया, तब ये क्या 0 हो जाएगा, यहाँ पे क्या प्लस 10 हो जाएंगे। तो उधर हम क्या करते थे कि ऐड करते थे, ऐड डिवाइडेड बाय जितना हमारे पास डेटा होता था, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होते थे उसे डिवाइड करते थे। इसमें क्या करोगे, इसमें क्या है आपके पास, अब और डेटा आ गया, अब मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 × 5 तो 0 हो जाएगा, ठीक है, 10 × 10 इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये आपके पास आ जाएगा 100, ठीक है, और ये देखो 5 और 10, ठीक है, कितने पर्सन है टोटल, ये 15, तो 100 इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तब आया, अपॉन कितना आ गया 5% and 10% दैट इज इक्वल टू योर 15%, तो 100 अपॉन हो गया 15। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपके पास आ जाना है 20/3, है ना, 0 as it is, ट्वेंटी अपॉन थ्री, ठीक है, 20/3 आ गया।
अब हम क्या करते थे, जो भी हमारे पास एवरेज आती थी, नहीं सॉरी, सॉल्व करके जो हमारे पास आता था उसको हम एवरेज में ऐड कर देते थे, जो हमने एवरेज कंसीडर करके रखी होती थी। इसमें अब देखो, देयरफॉर एवरेज इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे भी क्या करना था, फाइंड एवरेज, ठीक है। एवरेज क्या हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, ये हमने एवरेज कंसीडर कितनी की थी, 20, तो 20 और ये प्लस में है, प्लस 20 बाय 3, ठीक है, 20 प्लस 20 बाय 3, एंड इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो है ना, एलसीएम ले लिया, ठीक है, 80 बाय 3 जो होगा वो क्या होगा इसका आंसर होगा। तो एवरेज जो ग्रुप डेटा जब देके रखा होता है तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सिर्फ आपका एक स्टेप ऐड हुआ, और वो स्टेप क्या है आपका, जब आप एवरेज कंसीडर किया, उस एवरेज से अब जब हम कंपेयर करते हैं माइनस 10 प्लस 10 जो भी हमारे पास बच रहा है ना, वो उसको जो आपके पास डेटा देके रखा है ना उसके साथ मल्टीप्लाई होगा वो, ठीक है ना। अब ये जो देके रखा है तो इसका भी तो कोई ना कोई रोल होगा ना, ये जो 10% है 5% है ना, तो इनका यही है कि ये मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई होने के बाद उसके बाद वही सेम प्रोसेस की ऐड करोगे, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी आपके पास है, जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है उनको डिवाइड में लेके है ना, देन सॉल्व किया, फिर लास्ट स्टेप से मतलब आगे वो जो प्रोसेस आपको वो पूरा सेम है जो प्रीवियस था, बस क्या हुआ ये स्टेप हुआ इसमें, डेटा जो था उसके बाद मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।